हैत्री के लिए कुछ बुनियादी हुकूम दिए गए हैं, जिनके फलने फूलने के लिए और उनकी हिफाजत के लिए सहूलियतें और मौके फराहम किए हैं। किसी भी देश की तरक्की के लिए उस देश के लोगों, नौजवानों, मुलाजमीन अपनाया सिस्टम जिम्मेवार होते हैं कि वो देश की बेहतरी के लिए किस कदर अपने अपने फराइज सरंजाम देते हैं। अगर हर आदमी अपना अपना फर्ज खुश अश्लूबी से निभाते, देश पर भरोसा बेलूर है। जब हम और अपने अंदर अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा करेंगे जिसमें हर इंसान के लिए दिलादार की तकदीर करें, परोपकार करें, सामाजिक एकता को कायम करें, आपस में जमा पैमाना माधवी और मजबूत इंसानी थे। किसी भी देश की तरक्की और मजबूती कभी मुमकिन देश के प्रति हो या देश के मुल्क के दूसरे हिस्सों के इंसानियत से तल्लुक करता हो। और हम अपने अंदर ऐसा भाव प्रकट करें जिसे वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं। ये वो भाव है जिसमें पूरी कायनात में सब लोगों, कीड़े मकोड़ों, पेड़ों, चरनत परनत के हम अपने को हम अपना परिवार मानते हैं। और उनमें वोटों को हासिल करने के लिए यानी वोट बैंक के लिए जो प्रोपेगेंडा रवायती तौर पर चला आ रहा है उसका शिकार हमें नहीं बनना चाहिए। सामाजिक बुराइयों जैसे शराब, नशे, नशा व दवाइयों का इस्तेमाल जिनसी इस्तेमाल, रिश्वतखोरी की बिदत को खत्म करने के लिए लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आना होगा और बिदतों के खिलाफ आवाज पैदा करनी होगी और ताउन देना होगा जो सरकार की तरफ से एक तरफा मुमकिन नहीं। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपने सभी बच्चों और बच्चियों को तालीम के जेवर से आरिश्ता करें, क्योंकि तालीम के बगैर हम न तरक्की पर गामजद हो सकते हैं और ना ही हम इलाकी रवायती साइंसी, तकनीकी और सियासी मैदान में कदम आगे बढ़ सके। हमें बच्चों को क्वांटिटी वाली तालीम के बजाय क्वालिटी वाली तालीम की तरफ जोर देना होगा करना है। क्लास टेंथ की एचएस जोरदार तालियां रिसीव करें। अब मैं बच्ची कंजूसी मत कीजिए प्लीज। यहाँ के वो आके अपना अवार्ड रिसीव करें। और आगे अपना अवार्ड हल्का एहतराम के साथ मैं दावत सुगम पेश करता हूँ। ऊपर से आई है अब मैं
एप्रिसिएशन लेटर जो है जनाब सीएम ट्रेजरी ऑफिसर कहरा बड़े एक्टिव जो है ये काम करते हैं, प्रोग्रामों की शान बनते हैं। अब मैं न्यायाधीश जरा एक मिनट जरा।